एवरीवन, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। काफ़ी टाइम के बाद एमसीक्यूज़ वाला वीडियो बना रही हूँ। एमसीक्यूज़ का जो एक सेमीकंडक्टर्स एंड पी इंजेक्शन का वीडियो था, ऑलरेडी अपलोड मैंने करा था। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। एंड अगर इसमें भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, देन आई विल मेक अ थर्ड वीडियो ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन द यूनिट सेल इज। सो जो सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, उसका यूनिट सेल है दैट इज लाइक दिस। इट इज सिमिलर टू द डायमंड लैटिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि वन एटम ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है। सो 1/8 जो है हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, तो इसलिए जो कॉर्नर्स के ऊपर एटम हो जाएंगे दैट इज 1/8 × 8 मीन्स 1 एटम ऑन द कॉर्नर्स। एंड यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है, तो फेस के सेंटर पे 6 एटम्स होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इज 1/2। सो टोटल हो गए 3 एटम। एंड इसके बिना 4 एटम्स जो होते हैं दे आर विद इन द यूनिट सेल। तो टोटल 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ सिलिकॉन एंड इट हैज़ FCC स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन इज, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव डैश बॉन्ड्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, एंड सिलिकॉन का हमें स्ट्रक्चर पता है कि सिलिकॉन जो एटम है, इट हैज़, इफ़ इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो देर आर अदर सिलिकॉन एटम्स। तो इसके आसपास टोटल 4 सिलिकॉन एटम्स हैं एंड ऑल्सो ईच सिलिकॉन हैज़ 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हर एक सिलिकॉन के हमने ऐसे हम शो कर सकते हैं कि हर एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पार्ट ऑफ द करंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। सो सबसे पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं दे आर इन इक्वल नंबर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। और जब टेम्परेचर जो है, इफ इट इज मोर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स इफ द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफ इट इज एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल लीव इट्स प्लेस एंड वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द होल। सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड यहाँ पे चले जाएंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स जो है वेलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जब इसको एक्सटर्नल बैटरी से हमने कनेक्ट करा, तो द कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो होल्स हैं दे बेसिकली दे आर नॉट मूविंग, देर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर हॉपिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। एंड ये जैसे यहाँ से डॉट से शो करा गया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हॉप बिटवीन द होल्स एंड दीज आर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जनरेट हुए हैं। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दे कॉज द कंडक्शन इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो करंट होगा उसका मेजर पार्ट कैसे बना होगा, फ्रॉम द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लीशन कैपेसिटेंस फॉर अ वैरेक्टर पी एन जंक्शन इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द। ऑप्शन ए इज होल्स इंजेक्टेड एंड स्टोर इन द एन रीजन। ऑप्शन बी होल्स इंजेक्टेड एंड स्टोर इन द पी रीजन। सी है डिप्लीशन रीजन वेयर नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट एंड इट इंक्रीजेज विद वोल्टेज, और डिप्लीशन रीजन वेयर नो चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट एंड इट डिक्रीजेज विद वोल्टेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज डिप्लीशन कैपेसिटेंस एंड वट इज अ वैरेक्टर पी एन जंक्शन। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा पी एन जंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है दिस इज पी टाइप मटेरियल, और जो राइट साइड है यहाँ पे दिस इज द एन टाइप मटेरियल।
तो व्हेन दे आर कनेक्टेड सो इट देयर फॉर्म्स अ डिप्लीशन रीजन. इसकी फॉर्मेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी है. एंड जो डिप्लीशन रीजन है ये वाला, दिस इज हैविंग नेगेटिव आयन्स एंड पॉजिटिव आयन्स. दीज आर इमूवेबल, ठीक है, मीन्स दीज आर फिक्स्ड आयन्स, दे कैन नॉट मूव. और यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते इन द डिप्लीशन रीजन. सो एक चीज़ तो डिप्लीशन वर्ड से क्लियर है कि जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इट इज़ रिलेटेड विद द डिप्लीशन रीजन. सो ऑप्शन ए एंड बी जो है दीज आर इनकरेक्ट. तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो है हमें बतानी है कि ब्रैक्टर पीएन जंक्शन की डिप्लीशन कैपेसिटेंस किस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, मेनली क्या चीज़ जो है डिप्लीशन कैपेसिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो यहाँ पे हम एक और पिक्चर देख लेते हैं. सो देखो यहाँ पे अगर हमारी जो वेक्टर पीएन जंक्शन डेड है, इट ऑलवेज वर्क्स इन द रिवर्स बायस. सो हमारा जो पीएन जंक्शन है उसको अगर हम रिवर्स बायस करेंगे, वी नो दैट इन द रिवर्स बायस केस जो डिप्लीशन रीजन है उसकी वेट्स इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन पे जो जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर लाइक कि दिस इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो ये एक तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा. और जो इसकी विड्थ है क्योंकि रिवर्स बायस में इंक्रीज करती जाती है. एंड जो हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन ए अपॉन डी, मींस जो कैपेसिटेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास डी क्या हो गया, डी इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. इट मींस के ये जो विड्थ है अगर ये इंक्रीज करेगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारी डिप्लीशन कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है. और इंक्रीज कब करेगी ये वाली विड्थ, जब हमारा ये रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी. इट मींस कि जो डिप्लीशन रीजन है जो इसकी कैपेसिटेंस है इट डिक्रीजेस, क्योंकि अगर विड्थ ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी रिवर्स वोल्टेज, तो विड्थ ज़्यादा होगी. विड्थ ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि डिप्लीशन कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें से अगर हम देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिप्लीशन रीजन वेयर नो चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट. हमें पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है. एंड जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इट डिक्रीजेज विद वोल्टेज. कौन सी वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं. तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने से क्योंकि ये विड्थ इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो है इट विल डिक्रीज. यहाँ से ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि विद इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज द डिप्लीशन कैपेसिटेंस इट विल डिक्रीज, ठीक है. सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे, ऑप्शन ए इज दे आर लाइटर, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस कोलिजंस लेस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सी इज हैव नेगेटिव चार्ज, एंड ऑप्शन डी इज नीड्स लेस एनर्जी टू मूव देम. सो जो हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सेमी कंडक्टर है, यहाँ पे क्या होगा कि एट द रूम टेम्परेचर जो वेलेंस बैंड है ब्रेक हो जाएंगे एंड जो वेलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे मूव फ्रीली. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिप्रेजेंटेड विद द ब्लैक डॉट्स दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द कंडक्शन बैंड. तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको बोल देते हैं. एंड दे लीव होल्स, ठीक है. और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं इफ़ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, हियर इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव लाइक दिस टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड जो होल्स हैं वो होल्स खुद मूव नहीं करते बिकॉज होल इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हॉप फ्रॉम वन होल टू अनदर होल, ठीक है. उनकी हॉपिंग से ही होल करंट प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है. अब जो वैलेंस एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है कि जो वैलेंस बैंड है एंड कंडक्शन बैंड है वहाँ पे एक गैप होता है इन द सेमीकंडक्टर. सो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे मूव लाइक के वो एक होल को छोड़ के दूसरे होल में जा रहे हैं विच इज़ सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ होल्स. बट जो कंडक्शन बैंड है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मोर फ्री, मीन्स दे एक्सपीरियंस लेस कोलिजन्स. बट जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एक्सपीरियंस मोर कोलिजन बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड. तो बिकॉज ऑफ मोर कोलिजन्स
यहाँ पे जो मोबिलिटी होती है होल्स की इन द वेलेंस बैंड इट इज स्मॉल, ठीक है, होल्स की मोबिलिटी स्मॉल हो जाती है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, जिनको कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी मोबिलिटी जो होती है दैट इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या है, क्योंकि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्सपीरियंस कोलिजन्स लेस फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू द होल्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो होल करंट इन गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे ऑप्शन ए इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, ऑप्शन बी दे हैव लार्ज फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ऑप्शन सी इज दे हैव नो वैलेंस बैंड, एंड ऑप्शन डी होल्स ओवरलैपिंग वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। सो ऑप्शन बी जो है कि फॉरवर्ड एनर्जी गैप लार्ज होता है, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि एनर्जी गैप होता नहीं है कंडक्ट में, एंड देर इज नो वैलेंस बैंड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन केस ऑफ कंडक्टर्स वी नो कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दे ओवरलैप, ठीक है, एंड देर इज नथिंग लाइक जनरेशन ऑफ होल्स इन द कंडक्टर्स, दिस इज ऑनली बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। सो इसलिए यहाँ पे ना तो होल्स होते हैं एंड देर इज नो होल करंट इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज, ऑप्शन ए इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर टू द कंडक्शन बैंड, ऑप्शन बी इज इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर टू द वैलेंस बैंड, ऑप्शन सी इज इन द मिडल ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड ऑप्शन डी इज आउटसाइड ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो इन एन टाइप सेमी कंडक्टर वी नो दैट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन द जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, और इन एनी इंटेंसिक सेमी कंडक्टर सो देर आर टू टाइप ऑफ बैंड्स, वन इज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड इज कंडक्शन बैंड, एंड सिंस द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स द एटम्स मेक अ डोनर लेवल नियर द कंडक्शन बैंड, एंड दीज एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड, सो वी कैन से दैट देर इज मोर और लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स नियर द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। सो इफ दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप then we can say that in n-type semiconductor the Fermi level, if this is Fermi level EF, it shifts towards the conduction band, so it is nearer to the conduction band in case of n-type semiconductor. Similarly, अगर आपको p-type semiconductor का question आता है, so there we can say that this Fermi energy level it lies close to the valence band in case of p-type semiconductor, and in case of intrinsic semiconductor this Fermi level it lies in the middle, ठीक है। तो इसी एक क्वेश्चन से आपके तीन क्वेश्चन कवर हो गए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर देयर आर नो मिनोरिटी कैरियर्स, ऑप्शन बी इमोबाइल नेगेटिव आयंस, ऑप्शन सी इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, एंड ऑप्शन डी इज होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स। सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बिकॉज एन टाइप में मिनोरिटी कैरियर्स होते हैं जिसको हम होल्स बोलते हैं। ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। सो ऑप्शन बी और सी में से आंसर आएगा कोई। सो अभी जैसे हमने बात करी है कि एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो आपके डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है, सो दे मेक अ लेवल डोनर लेवल बिलो द कंडक्शन बैंड, एंड दीज डोनर एटम्स दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इफ दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वी कैन से दैट एटम बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, ठीक है, एंड दिस एन इज इमोबाइल। सो इसलिए यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, ऑप्शन ए इज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी इट इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग बैंड गैप, ऑप्शन सी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन। सो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन
कैरियर कंसनट्रेशन ऑन बोथ पी एंड एन साइड्स, ठीक है। तो अगर ये आपका पी एन जंक्शन है, सो देर इज़ डिफरेंस इन चार्ज कैरियर्स। इस साइड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड इस साइड जो होते हैं होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन कैरियर कंसनट्रेशन द डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस, और यहाँ पर जो बैरियर बनता है उसके उसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, और इसको बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। सो जो इसका फॉर्मूला है इस पोटेंशियल का, दैट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर वी बी आई इज़ द डिफ्यूजन पोटेंशियल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लाइक एन ए विच इज़ एक्सेप्टर कंसनट्रेशन और पी साइड, एन डी विच इज़ अ डोनर कंसनट्रेशन और एन साइड, एंड एन आई इज़ द इंट्रेंसिक कैरियर कंसनट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर डोपिंग इंक्रीज होगी तो डोनर कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी एंड एक्सेप्टर कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी। अगर ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सिंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ एन डी एन ए, इट मीन्स कि जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इसलिए जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद फॉस्फोर्स इट बिकम्स, नाउ हियर वी नो दैट फॉस्फोर्स इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बिकॉज देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंस शेल। सो इट मीन्स कि जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करेंगे जर्मेनियम क्रिस्टल को, वी विल हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई देर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल विच इज़ द डोप्ड क्रिस्टल, और वी कैन से इट बिकम्स एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर बिकॉज देर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमी कंडक्टर मटीरियल द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, तो अभी हमने जैसे बात करी है एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पी एन जंक्शन, सो चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है पी एन जंक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए इज जंक्शन कैपेसिटेंस, एज वी नो दैट इन अ पी एन जंक्शन देर इज अ डिप्लीशन रीजन विच इज हैविंग इमोबाइल चार्ज एंड दीज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स नेगेटिव आयन्स ऑन द पी साइड एंड पॉजिटिव आयन्स ऑन द एन साइड, दीज एक्ट लाइक अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस जंक्शन इज कॉल्ड जंक्शन कैपेसिटेंस। सो फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर जंक्शन कैपेसिटेंस इट इज रिलेटेड विद पी एन जंक्शन। ऑप्शन सेकेंड है चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस, सो एज वी नो दैट चार्ज इज स्टोर्ड एट द डिप्लीशन रीजन हेयर एंड द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो इट मीन्स चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पी एन जंक्शन। ऑप्शन सी इज डिप्लीशन कैपेसिटेंस, ऑल्सो फ्रॉम द नेम हेयर इट इज क्लियर दैट डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज रिलेटेड विद द डिप्लीशन रीजन विच इज फॉर्म्ड इन द पी एन जंक्शन। सो फर्स्ट थ्री ऑप्शन जो हैं दीज आर एसोसिएटेड विद पी एन जंक्शन एंड द आंसर इज ऑप्शन डी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स FETs, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन लॉग रो एंड वन बाई टी ऑफ अ सेमी कंडक्टर गिव्स। सो यहाँ पे हमें लॉग रो एंड वन बाई टी का ग्राफ बताना है कि उसका स्लोप क्या आएगा। सो वी नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला वेयर एन आई इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और चार्ज कैरियर कंसनट्रेशन इन टू ई इन टू म्यू ई प्लस म्यू पी, म्यू एच भी लिख सकते हो, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिंस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज इक्वल दैट इज इक्वल टू ई, तो इसलिए ई कॉमन आ गए यहाँ पे। हमने यहाँ पे एन आई का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया सम कॉन्स्टेंट टाइम्स टी पावर थ्री बाई टू इन टू ई पावर माइनस ई जी ओवर टू के टी, वेयर ई जी इज द बैंड गैप एनर्जी इन टू द रिमेनिंग टर्म ई इन टू म्यू ई प्लस म्यू एच। सो वी नो दैट मोबिलिटी जो है ऑफ चार्ज कैरियर्स इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज म्यू इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर टी पावर थ्री बाई टू, ठीक है। ये रिलेशन है मोबिलिटी एंड
टेम्परेचर का. एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से दैट म्यू ई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी पावर माइनस 3/2. एंड फॉर होल्स वी कैन से दैट म्यू एच इज इक्वल टू बीटा टाइम्स टी पावर माइनस 3/2. सो वैन वी एड बोथ वी विल गेट सम फैक्टर गामा. सो नाओ वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन टू दिस इक्वेशन. तो सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा सी इंटू टी पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई जी ओवर 2kt एंड ई इंटू मोबिलिटी का जो फॉर्मूला यहाँ से सब्सिट्यूट कर देंगे. ठीक है. सो यहाँ से जो टी पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट सिग्मा इक्वल टू दिस. तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी. ठीक है. हमें यहाँ पे निकालना है लॉग रो. वी नो दैट रो इज डिस्टिविटी, इट इज इक्वल टू 1/σ. सो यहाँ से रो की वैल्यू हम निकाल देंगे. रो इज इक्वल टू 1/b ई पावर माइनस ई जी ओवर 2kt. सो रो का फॉर्मूला बन गया. नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज लॉग रो इज इक्वल टू लॉग 1/b वेयर बी इज सम कॉन्स्टेंट प्लस ई जी ओवर 2kt. सो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग रो एंड 1/t हेयर, सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर लॉग रो इज ऑन द वाई एक्सेस एंड 1/t इज ऑन द एक्स एक्सेस. फ्रॉम हेयर वी कैन से दिस इज अ फॉर्मूला लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर सी इज द इंटरसेप्ट एंड एम इज द स्लोप. सो यहाँ पे ये आपका वाई आ गया एंड ये 1/t क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स. सो इट मीन्स दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट. सो दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू ई जी ओवर 2k. सो इसलिए इस ग्राफ का स्लोप आएगा ई जी ओवर 2k, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. 2k लिख लो, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कई बार इसको kb भी लिख देते हैं जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है. सो ये इसका स्लोप आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमी कंडक्टर इज गिवन बाय. सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मोबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर लाइक दिस. म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस 3/2. सो इट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इन डायमंड स्ट्रक्चर इज. जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, हमें पता है कि हमारे पास अगर दो बैंड्स हैं, वन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड अदर इज कंडक्शन बैंड, देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैंड्स, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप. एंड इन केस ऑफ कार्बन इन डायमंड स्ट्रक्चर दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप, लेट अस से ई जी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज. सो दैट इज ऑल अबाउट द MCQs ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शंस. अभी इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. द रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिका ट्यूब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़.